सीटी लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर जो सीटी आयोजित की गई थी जूनियर अकाउंटेंट में, उसमें 15% अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, लेकिन राजस्थान पुलिस में जो सीटी सेकेंडरी लेवल पे आयोजित की गई थी उसमें मात्र 14% के करीब विद्यार्थियों को शामिल किया गया। हमारी भी मांग है कि उसमें 15% विद्यार्थियों को शामिल किया जाए या सीईटी की मानकता को 40% किया जाए। सर, हमारी मांग यह है कि पिछली सरकार ने जो एक सीईटी करवाई थी उसके थ्रू एग्ज़ाम, मतलब जो एक सीनियर लेवल की और एक स्नातक लेवल की, तो उसमें एग्ज़ाम फिक्स की थी भाई ये लेंगे, तो उसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया, जैसे 40%, 50% कुछ भी, कोई एक समान पात्रता परीक्षा थी, तो उन्होंने एक नियम रखा था कि हम हर कैटेगरी वाइज 15 गुना लेंगे, जो भी वैकेंसी आएगी उसका हम 15 गुना। तो उसमें अभी अकाउंटेंट की वैकेंसी थी 5,000 के समथिंग कुछ ऐसी, अब उसमें एक साल से तो रिजल्ट निकाला नहीं, एक साल बाद रिजल्ट निकाला है, तो उसमें फिर ये 15 गुने का सिस्टम लिया है ना कि हम हर कैटेगरी वाइज, तो उसमें हर कैटेगरी को नुकसान है, कुछ पता ही नहीं कितने पास किए हैं, कितने जनरल के बराबर सारी कट ऑफ रख दी। तो हम हमारी मांग ये है कि इसमें 40% रखी जाए, जो आने वाली सभी भर्ती आएगी, कम से कम 8-10 भर्ती है, उनमें सबको मौका मिलेगा, या फिर इस पर विचार किया जाए सरकार। ये जो 40% जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम है 5,000 पदों पर, सरकार ने एक हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें थोप दी जो हमें नहीं चाहिए थी, जो सीईटी, क्योंकि इसमें जीके बेस्ड पेपर था, और जीके बेस्ड पेपर होने की वजह से, और जो लड़के 3 महीने में तैयारी नहीं कर पाए, जो आरएस तैयारी कर रहे थे या टीचर तैयारी कर रहे थे, उनकी जीके अच्छी होने की वजह से और उन्होंने अच्छे मार्क्स ले लिए, और इसमें जो पात्र हैं इस एग्ज़ाम के लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए, या जिन्होंने मेहनत की है उनका नंबर नहीं आ पाया है किसी कारणवश, तो उनको ये है कि उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए और इसमें 40% की जाए। हमारी यही मांग है कि भाई हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं, हम अपनी जो योग्यता है उसको प्रदर्शित करेंगे कि हमें योग्यता है। देवनगरी मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा तो काला कानून लाया गया था सीईटी, वो नहीं तो आरएसएमबी के अधिकारियों को पता है कि इसमें किन बच्चों को लिया जाएगा, नहीं वहाँ के कार्मिक वहाँ के कर्मचारियों को पता है कि कौन शामिल हो रहा कौन नहीं शामिल हो रहा। तो हमारी डिमांड ये है कि इसमें 40% किया जाए, या जो भी मिनिमम क्राइटेरिया वो फिक्स किया जाए कि जिसको अकॉर्डिंग है ना टारगेट रख के बच्चा तैयारी करे। अभी सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, खुद अधिकारी कन्फ्यूज हैं कि किनको सेलेक्ट करना है किनको नहीं करना। तो मैं तो ये चाहता हूँ या तो सीईटी को मिनिमम क्राइटेरिया किया जाए या इसको रद्द किया जाए। तो आज हम यहाँ पे आए, उन्होंने कहा था भाई कल वहाँ जाना आप, तो हम यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे दो जो कमेटी में जो सदस्य थे वो दो तो हैं नहीं है, और जो एक हैं पुरुषोत्तम जी जो पुष्कर जी, तो फिर उन्होंने हमने 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने अब जाके हमको अभी आश्वासन दिया है कि हम आपसे 5-5 के ग्रुप में आपसे मिलेंगे, फिर उसके बाद में जो भी डिसीजन है वो करके बताएंगे। लेकिन हमारा मांग यही है कि आप मतलब इसको अजनलाल जी, हमने यही कहा था कि वैसे इस क्राइटेरिया को 40% कर दीजिए। उन्होंने कहा था, उनको ODS साहब है ना, उनसे बात हुई थी, उन्होंने पहले तो ये कह दिया था कि भाई ये 40% कर दिया है, लेकिन अब यहाँ के अगर तो उन्होंने तो कह तो दिया वहाँ से मौके कहा था, उन्होंने को लिखित में तो दिया नहीं, उनको गलत फहमी हो गई थी एक तरीके से। सर, उन्होंने जो निर्देश दिए वो ये थे कि उन्होंने यहाँ बोर्ड में बात की और इनसे पूछा कि किन बच्चों को आपने एलिजिबल किया है किन को नहीं किया है, और जब पाया गया कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी गठित की जो बच्चों के ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए थी, परंतु जैसा इन्होंने अभी बताया उनमें से 2 लोग जो मेंबर हैं वो छुट्टी पे हैं, और CMO में बात करने के बाद एक अधिकारी जो यहाँ पे हैं उन्होंने हमसे मिलने की हमें परमिशन दी है, और अभी कुछ लोग हमें से मिलने गए हैं। एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे साथी लोग आपको बताना भूल गए कि जूनियर अकाउंटेंट इस CET की सबसे बड़ी भर्ती थी, उसकी कट ऑफ 50% से भी ऊपर है। इसके अलावा साथ में और कुछ भर्तियां थीं जैसे जेलर की है या कुछ हैं जिनमें मात्र 100-150-200 सीटें हैं, तो उनकी कट ऑफ आप 15 गुना में कितनी ऊपर लेके जाएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि क्या उनमें आप मात्र 400-500 बच्चों को बिठा के एग्ज़ाम कराएंगे, तो आप एग्ज़ाम करा रहे हैं या आप एक खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और सिर्फ पिछले एक साल में हम मान लीजिए कि मैं तैयार नहीं था उतना, मुझे राजस्थान जीके नहीं आती थी, एक साल पहले की बात है, उस बेसिस पे मेरे हाथ से आप अपॉर्चुनिटी छीन लेंगे। आप टोटल 12 सब्जेक्ट हैं जूनियर अकाउंटेंट में, राजस्थान GK और उसके साथ के कुछ सब्जेक्ट अगर आप मिला लें जो कि उस पेपर में मेजरली आए थे, तो मैक्सिमम 3 या 4 सब्जेक्ट बनते हैं।
तो चार सब्जेक्ट के दम पे आप ये डिसाइड कर देंगे कि हम लोग एग्ज़ाम देने के काबिल भी नहीं हैं, बाकी के जो आठ सब्जेक्ट हैं उनको तो आपने टच भी नहीं किया, जैसे जो कॉमर्स का पूरा कॉम्पोनेंट है या फिर जो सर्विस रूल्स हैं या जो अकाउंटिंग रूल्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। और हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास टीचर बनने के अलावा सिर्फ इकलौती एक वैकेंसी है जिसके दम पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। तो वो एक इकलौती जो ऑप्शन था हमारे पास, जो 10 साल बाद आया, पिछले 10 साल से वैकेंसी नहीं आई है, वो हमारे हाथ से छीन ली गई है, वो भी तब जब पूरा जूनियर अकाउंटेंट का काडर खाली है। अब अगर दोबारा वैकेंसी आएगी तो वो 10 साल बाद आएगी, और हम सब लोग 10 साल बाद एज बार हो चुके होंगे, तो हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं।